व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सुरेश दुबे, वेलकम बैक अगेन ऑन न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी भी फोटो को अपलोड करते हैं तो उसमें हैशटैग लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप किसी भी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसमें टैग लगाना, कीवर्ड टैग लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वैसे इंस्टाग्राम पे हैशटैग लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा हैशटैग लगाने का सही तरीका क्या होता है, कैसा हैशटैग लगाएंगे तो आपका पोस्ट वायरल होगा, आपके फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, आपके पोस्ट पर लाइक आएगा, आपके पोस्ट पर कमेंट आएगा, आपके आईडी का एंगेजमेंट ही बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आप कहाँ पर हैशटैग यूज करेंगे, कैसा हैशटैग यूज करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज कुछ नया सीख लें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको तीन ऐसे जगह बताऊंगा जहां पर आपको हैशटैग यूज करके आप काफी आसानी से अपना लाइक, फॉलोवर्स और इंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं, इंस्टाग्राम पे तीन जगह है जहां पर आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे हैशटैग यूज कर सकते हैं, अकाउंट के बायो में। दूसरी बात, आप अपने पोस्ट पर हैशटैग यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप अपने स्टोरी में हैशटैग यूज कर सकते हैं और किसी को दिखेगा भी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ आप अपने बायो में, पोस्ट में और स्टोरी में हैशटैग यूज कैसे करेंगे और कैसा हैशटैग यूज करेंगे तो आपका फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ आपको हैशटैग कैसा हैशटैग यूज करना है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आप लोगों को कैसे रिसर्च करनी है, हैशटैग रिसर्च करनी है। एक पोस्ट डालने से पहले इंस्टाग्राम के ऊपर या आप इमेज डालो चाहे आप वीडियो डालो, तो सबसे पहले एक पोस्ट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया पोस्ट, अब राइटर कैप्शन पे मैं जाऊँगा और टाइप करूँगा कुछ अपनी इमेज से रिलेटेड कुछ हैशटैग्स। जैसे ये इमेज एक पोर्ट्रेट इमेज है तो मैं इसमें फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ डालता हूँ हैशटैग पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे हैशटैग्स आ रहे हैं और सब हैशटैग्स के साइड में, राइट साइड में आपको पब्लिक पोस्ट नज़र आएगा लिखा हुआ। अब इस पब्लिक पोस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर हैशटैग को कितने लोगों ने आज तक यूज़ किया है अपनी इमेज के अंदर। तो इससे पता चलता है हैशटैग का कंपटीशन कितना हाई है, जितने ज़्यादा पब्लिक पोस्ट होंगे हैशटैग के अंदर उतना हाई कंपटीशन होगा हैशटैग के अंदर रैंक करने के लिए। और आपको क्या करना है, आपको हैशटैग के ऊपर रैंक करना है ताकि आपको एक्सपोजर मिले अच्छा खासा। तो इसके लिए हमको ऐसे हैशटैग को टारगेट करना है जिनमें बहुत कम कॉम्पिटिशन हो, हमारे लेवल कॉम्पिटिशन हो। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी फ़ोटोज़ के ऊपर कितने लाइक आते हैं, एवरेज लाइक जानना होगा। जैसे आपकी फ़ोटोज़ में अगर 100 लाइक्स आते हैं नॉर्मली, तो आपको उन्हीं हैशटैग्स को टारगेट करना है जिनमें 100K से कम पब्लिक पोस्ट है। जो साइड में पोस्ट शोर है, 100K से कम पब्लिक पोस्ट है, वही उन्हीं को टारगेट करना है। जैसे अगर नहीं शोर है तो पोर्ट्रेट के आगे मैं कुछ और डाल लेता हूँ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी डाल लेते हैं और थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड वाला हैशटैग शो हो रहा है 14,993 पोस्ट हैं, ये सही हैशटैग हैशटैग है। अगर आप लोगों को यूज़ करना है, अगर आपके 100 से नीचे लाइक आते हैं तो आप इस हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं, आपको 100K से ऊपर वाले हैशटैग को नहीं टारगेट करना है। यही ऐसे अगर आपके 200 लाइक्स आते हैं फोटो के ऊपर तो आपको 200K के ऊपर जो पब्लिक पोस्ट वाले हैशटैग हैं उनको टारगेट नहीं करना है 200K से नीचे। फिर 300 अगर लाइक आते हैं तो 300K वाले। तो ऐसे करके आपको पहले समझना है कि आपकी फ़ोटो में कितने लाइक आते हैं, उसी हिसाब से आपको सही हैशटैग चूज़ करना है अपनी फ़ोटो के लिए। और वो हैशटैग रिलेट भी करना चाहिए आपकी इमेज के वीडियो के साथ, ये भी एक मेन चीज़ है। अब यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरी फोटो के अंदर 300 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ये 295K जिसमें 295,000 पब्लिक पोस्ट है इस हैशटैग को यूज़ कर सकता हूँ मेंस फैशन टिप्स। लेकिन जो उसके ऊपर हैशटैग है मेंस फैशन ब्लॉगर जिसमें 908,000 पब्लिक पोस्ट है, उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें मेरी जब फोटो रैंक ही नहीं होगी तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे हैशटैग यूज़ करने का। तो ऐसे हैशटैग यूज़ ही नहीं करने जिनमें हम रैंक नहीं हो सकते, जिसमें हमारे चांसेस नहीं है रैंक होने के, तो ऐसे हैशटैग्स को हम यूज़ ही नहीं करेंगे। उन्हीं हैशटैग को यूज़ करना है हमें जिनमें हम रैंक कर सकते हैं और फिर एक्सपोजर पा सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप एक बार अगर हैशटैग के ऊपर रैंक हो जाते हैं तो आपका पोस्ट कहाँ शो होगा, आपको एक्सपोजर कैसे मिलेगा, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वाले इस हैशटैग के अंदर दिखाया था मैं आप लोगों को, कट मैं सर्च करके दिखाता हूँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और टैग आएगा यहाँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का। तो इसमें आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग इस हैशटैग के ऊपर रैंक करते हो तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे आओगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग अगर इस हैशटैग के ऊपर आते हैं विजिट करते हैं तो उनको भी आपकी प्रोफाइल ऐसी शो होगी, आपकी फ़ोटो शो होगी, फिर वो आपकी फ़ोटो के थ्रू आपकी प्रोफाइल में आ सकते हैं और पसंद है तो फॉलो वॉलो लाइक्स वाइक्स ये सब कर सकते हैं। तो और अगर नहीं होते तो नॉर्मली रिसेंट में आओगे आप, आपका आपका पोस्ट आएगा और कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत सारे 39.9 मिलियन पोस्ट है हैशटैग के ऊपर, तो कुछ टाइम बाद आपका पोस्ट गायब हो जाएगा रिसेंट से। इसलिए टॉप में आने की कोशिश करनी है हमें, टॉप में रैंक होना है। तो गाइज, एक बार अगर आप लोगों ने सारे हैशटैग्स को चूज़ कर लिया ऐसे रिसर्च करके, तो आपको सिंपली
उन सब हैशटैग्स को यहाँ से कट करना है। अभी हमने दो ही हैशटैग इनपुट करे यहाँ पे, बट आपने सोचो 30 हैशटैग्स पूरे चूज कर लिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैप्शन ऑप्शन डालना है, जो भी आपको डालना है। उसके बाद आपको पोस्ट को पोस्ट कर देना है, जो आपका ये पोस्ट है उसको पोस्ट कर देना है, जो आपको लोकेशन वोशन डाली है। ये सब डालने के बाद आपको जाना है पोस्ट के कमेंट बॉक्स में। जैसे आपने जो पोस्ट करा होगा उसके बाद वो आपकी टाइमलाइन में आ जाएगा, आपको सिंपली उस पोस्ट के ऊपर जाना है और यहाँ कमेंट्स में जाना है और उन हैशटैग्स को पेस्ट कर देना है। वो हैशटैग्स वही काम करेंगे, अगर आप कैप्शन में भी डालोगे तो उन्होंने वही काम करना है जो कमेंट में करेंगे। मैंने देख सकते हो, मैं 61 वीक पहले जो मेरी ओल्ड फोटोज है उनमें भी सेम तरीके से यूज़ करता था मैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। दोस्तों अब मैं आपको बता दे रहा हूँ आप स्टोरी में कैसे हैशटैग यूज करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए स्टोरी, स्टोरी में मान लीजिए मैं यहाँ पर गया, स्टोरी में किसी फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, इस प्रकार का एक फ़ोटो सिलेक्ट किया। अब इसमें हमको हैशटैग क्या यूज करना है, यहाँ पे मान लीजिए हैशटैग यूज करने का तरीका मैं स्टोरी में बता दे रहा हूँ। स्टोरी में आप हैशटैग यूज करेंगे यहाँ पर शो भी नहीं करेगा। फैशन मान लीजिए हैशटैग फैशन यूज कर रहे हैं आप, हैशटैग फैशन, हैशटैग फैशन स्टाइल मान लीजिए मैं यूज किया। अब इसको आपको मॉडर्न एकदम ऐसे कर देना है, एकदम शॉर्ट में क्लिक एकदम शॉर्ट कर दीजिए कि ये दिखे ना आपको। फिर इस पर मान लीजिए यहाँ पर लाएं, इसको एकदम स्मॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी हैशटैग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको हैशटैग में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप स्टोरी में हैशटैग यूज करते हैं तो इस समय कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आ जाना है, डन कर देना है आई ड्रॉपर टूल पर जाते हैं आप। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल मान लीजिए यहाँ पर लाए हम, इस पर क्लिक करके ऐसे करके ख़त्म, ऐसे करके आप यूज कीजिएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, हैशटैग भी आपका ज़्यादा शो नहीं करेगा आपके फोटोज पर। तो ऐसे करके आप स्टोरी में हैशटैग यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ अपने बायो में आपको हैशटैग कैसे यूज करना है। आप 10-20 हैशटैग यूज करते रहिए अपने स्टोरी में। अब मैं आपको बता दूं अपने बायो में आपको क्या हैशटैग यूज करना है। बायो में मान लीजिए आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे आए, एडिट प्रोफाइल में आए, बायो में आपको आना है। आप अपने हैशटैग जिस प्रकार का आप फोटो अपलोड करेंगे उस प्रकार का हैशटैग आप यूज करते रहिए। मान लीजिए हैशटैग फोटोग्राफी, फोटो फोटोग्राफी, 3-4 हैशटैग आप यूज कीजिए, आपका प्रोफाइल ज़्यादा लोगों के विजिट में आएगा, आपके प्रोफाइल पे इंगेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको हैशटैग यूज करना है अपने फोटोज में, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।